जी अंतर ध्यान हुए तो व्यास जी ने कहा, बोले जिस प्रकार सैकड़ों तारागण नभ मंडल में उदित हों, लेकिन सबकी शोभा किसके साथ है? चंद्रमा के साथ। महाप्रभु के जाने से मानो ऐसा हुआ कि तारागण तो हैं, लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। रोने लगे संत, बोले श्री महाप्रभु जी का तो निकुंज गमन हो गया, पछाड़ खाकर गिर पड़े दोनों भाई। संतों ने सचेत किया, चतुर्भुज दास जी ने कहा तो उनके स्थान पर कोई तो होगा जो आचार्य पीठ की के कर्तव्यों का निर्वाह करता होगा, जो आचार्य पीठ के उत्तरदायित्व का निर्वाह करता होगा। संतों ने कहा हाँ, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके बड़े पुत्र हैं, जिन्हें सब रसिक जनों ने सम्मति से उनके स्थान पर बैठाया है। चतुर्भुज दास जी ने कहा तो हम तो उन्हीं से जाकर अब दीक्षा ग्रहण करेंगे, अब और विलंब नहीं करेंगे। सेवक जी से कहा दामोदर दास जी से, भैया तुम चलोगे ना वृंदावन? बोले मैं नहीं जाऊंगा। चतुर्भुज दास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले नहीं जाओगे? अरे पहले ही तो विलंब के कारण हम अपनी कितनी बड़ी क्षति करा चुके, अब और विलंब नहीं करना चाहिए। बोले भैया तुम अब जाकर किसी से दीक्षा लेनी हो, किसी से शिक्षा लेनी हो, लो। मैंने तो जिस क्षण संकल्प लिया था, मैंने तो उसी क्षण अपना सर्वस्व श्री महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन कर दिया था। मुझे उनके चरणों की प्रीति के अतिरिक्त किसी और वस्तु की इच्छा या वांछा नहीं है। मुझे मिले तो वही मिले, ना मिले तो कोई ना मिले, मुझे चिंता नहीं है। स्वर्ग ना इच्छे, नरक ना डरे, मैं इस संसार से निगुरा चला जाऊं मुझे भय नहीं है। मैं नरकगामी हूं मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैंने अपना गुरु जिन्हें स्वीकार कर लिया सो कर लिया। दिल दे के दिल भर प्यारे को फिर प्यार भुलाया नहीं जाता, और सर रख के यार के कदमों में उसे फिर उठाया नहीं जाता। जब दिल एक है, जान एक है, दीन एक है, ईमान एक है, और जब गीता और कुरान एक है, फिर दूसरा यार बनाया नहीं जाता। मन रख दिया मैंने उनके चरणों में। मीरा कहती है ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हो पूजी रण छोड़ जी। प्रेम की चाल बड़ी विचित्र है, प्रेम से प्राप्त होने वाली निर्भयता बड़ी विलक्षण है। अभी हम चर्चा कर रहे थे मानस के इस प्रसंग की, सप्तऋषि आकर समझाते हैं, कितने सुंदर सुंदर प्रलोभन दिए माता पार्वती को। ऐसे जीव जब भजन करता है प्रभु को वरने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान आता है, कर्म आपके लिए बड़े सुंदर सुंदर प्रलोभन लेकर आएगा। पर जैसा मैंने कहा, श्रद्धा कैसी हो, अविचल अडिग। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहूं शंभु न तरहूं कुमार। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, मैं नमाज पढ़ा कि मैं तय वाल वेखा, मेरा मक्का काबा तू है। कोई पढ़े नमाज करे प्या सजदे, मैं कहंदी तू है तू है। सानू जरा नहीं आउंदी समझ मुल्ला, गल इल्म ते वाज कलाम वाली, रख ठप किताब शिताब काजी, कर सिफ्त कोई यार दे नाम वाली। एकाग्र चित्त जो केवल एक को चाहता है, जिसे केवल एक को ही प्राप्त करने की आशा है, अभिलाषा है, कितनी सुंदर अनन्यता है। गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं श्रीनाथ जी का, कोई विनोद करने वाला कह देता है, आप जानते हैं कि आपके अयोध्यानाथ तो 14 कला संपूर्ण है, और हमारे ये श्रीनाथ जी ये 16 कला संपूर्ण है। गोस्वामी जी चरण स्पर्श करते बोले, महाराज आपने बड़ी कृपा की, हम तो आज तक केवल दशरथ नंदन का ही भजन करके प्रसन्न हो रहे थे, आपने ये और बता दिया कि हमारे प्रभु 14 कला संपूर्ण भी है। प्रणाम करने लगे तो प्रभु से कहा, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। और अनन्य निष्ठा को प्रभु गौरवान्वित करते हैं, सबके समक्ष छोड़ देते हैं वो प्राणों से प्यारी मुरली अपने भक्त के लिए, धरते हैं हाथ में धनुष और बाण, और तुलसीदास जी को कृतार्थ करते हैं।
तो श्री सेवक जी दामोदर दास जी कहने लगे, बोले भैया तुम जाओ, दीक्षा लो, शिक्षा लो, मुझे तो केवल एक कार्य है, मान अपमान बहाए दिए, जिए एक गुमान प्रिया जो कुचेरो। जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। उसी क्षण श्री दामोदर दास जी ने संकल्प लिया, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। आप देखिए निष्ठा का स्वरूप क्या है, आप देखिए कैसा अडिग भरोसा। बोले मैंने सुना है संतों के मुख से, संतों का वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता, संत की बात मिथ्या नहीं हो सकती। मैंने सुना है कि गुरु में और भगवान में भेद नहीं होता। यदि भगवान अपने भक्त को दर्शन दे सकते हैं और गुरु में और भगवान में भेद नहीं है, तो गुरु मुझे प्रसन्न होकर दर्शन क्यों नहीं दे सकते, मुझे क्यों स्वीकार नहीं कर सकते, मुझे क्यों कृतार्थ नहीं कर सकते। हट लेकर बैठ गए सेवक जी। ग्रामवासियों ने समझाया, चतुर्भुज दास जी ने बताया कि भैया ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है, ये बात युक्ति युक्त नहीं है। रख ठप किताब शिताब काजी, कर सिफ्त कोई यार दे नाम वाले। प्रेम को कहां ये सब बातें समझ में आती हैं, प्रेम कहां शास्त्र की चर्चा सुनता है। महाप्रभु कितनी सुंदर बात कहते हैं, अलम विषय वार्तया नरक को टीवी भत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो मत विभेव कैवल्यते परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः परम तुम हम राधिका पदरसे मनोमच्छतु पाए तिहारो प्रेम किशोरी छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी पाए कभी सुना नहीं, जिसे जाना भी नहीं, बिना देखे बिना जाने बिना समझे केवल एक संत की बात पर विश्वास करके अपने सर्वस्व का उत्सर्ग कर देना, ये भक्ति का निष्ठा का उत्तम स्वरूप है। अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। देखो या तो जानकर मान लो या मानकर जान लो, ये दो ही मार्ग हैं प्रभु के निकट जाने के। या तो आप जानकर मानिए या मानकर जानिए। आप जानकर मानेंगे तो अधूरा जानेंगे, क्यों? क्योंकि जानेंगे आप अपने संकल्प से, जानेंगे आप अपने प्रयास से, और जीव का प्रत्येक प्रयास प्रत्येक संकल्प अपूर्णता लिए है, त्रुटि पूर्ण है। और यदि आप मानकर जानेंगे तो जिसे आप मानेंगे वो पूर्ण है, और उस पूर्ण को मानकर उसकी कृपा से जब आप जानेंगे तो आप पूरा पूरा जानेंगे। इसीलिए प्रभु ने व्यवस्था की, संत का संग करके भगवत कथा में अनुरक्ति हो, और भगवत कथा की कृपा से सतत सत्संग की कृपा से संत मिले फल चार। सतत सत्संग की कृपा से जब गुरु के चरणों में प्रणत होने योग्य मस्तक बने तब विश्राम मिलता है। जिसे कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, केवल संत की बात, संत का शब्द कान में पड़ा, छवि अंकित हो गई, यही भक्त का हृदय होता है। जिसका हृदय भगवत भावना से भावित होगा, जिसका हृदय द्रवित होगा भगवत भाव से, वो जैसे ही कथा सुनेगा, जैसे ही भगवान की बात सुनेगा, उसके मन में छवि अंकित हो जाएगी। और जो जड़ बुद्धि होकर कथा में बैठेगा,
गोस्वामी जी कहते बोले मांग मकर गत रवि जब हुई, मांग के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सब तीर्थ आकर तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हैं। बोले एक व्यक्ति गया श्री प्रयागराज के तट पर जाकर और बिना मज्जन किए लौट आया। जड़ता जाड़ विषम जब जागा, बोले जड़ता का जाड़ा लगा, श्री प्रयागराज के तट पर जाकर बिना स्नान किए लौट आया। किसी ने पूछा कैसा था, बोले सब अच्छा था, आनंद था। स्नान किया, बोले नहीं स्नान नहीं किया, जाड़ा बहुत था। ऐसे ही बिल्कुल ठीक ऐसे ही कुछ लोग कथा रूपी प्रयागराज के तट पर आते हैं, मन चित्त जड़ होगा ना तो आप उसमें बिना स्नान किए लौट जाएंगे, सूखे चले जाएंगे तट से आकर, जिनको देखकर श्री कबीर जी को कहना पड़ता है कि जल बिच मीन प्यासी और मोए सुन सुन आवत हांसी। वो ये हंसू नहीं तो क्या करूं, जल बिच मीन प्यासी और मोए सुन सुन आवत हांसी। इसीलिए बिना साधु संग किए, बिना भगवत कथा का सेवन किए, गुरु चरणों का आश्रय ले भी लोगे तो जड़ चित्त और जड़ बुद्धि से कैसे वचनामृत ग्रहण करोगे, कैसे सिद्धांत को सम्यक प्रकार से हृदयंगम करोगे। ऐसी भक्ति करे बहुकाल, लंबा प्रयास, दीर्घकालिक प्रयास चाहिए, ये बहुत सहज नहीं है। मन का लग जाना, मन का टिक जाना, किंवा मन का मिट जाना, ये बहुत सहज नहीं है। भगवान इसकी इसकी द्रुहता अपने मुख से कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। पार्थ मैं स्वीकार करता हूं असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि इस मन की गति द्रुह है, कुटिल है, कुटिलतम। अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, आप एक ही बार कार्य करें वो सिद्ध हो जाए तो अभ्यास की कोई योग्यता नहीं है, अभ्यास की कोई उपयोगिता नहीं है। पर भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन्तु कौन्तेय, और किसको, आपको और मुझे नहीं, अर्जुन को, जबकि वो समर्थ है, फिर भी भगवान कहते नहीं अर्जुन अभ्यास करना पड़ेगा। जैसा कल मैंने कहा, जब आप भजन के मार्ग पर चलेंगे आप गिरेंगे, फिर गिरेंगे, फिर गिरेंगे, बट नेवर रिफ्यूज टू गेट अप, फिर उठिए, फिर उठिए। बैठ गए एक वट वृक्ष के नीचे संत की बात का भरोसा करके, जब मैंने उन्हें गुरु स्वीकार कर लिया तो या तो अब वो आकर मुझे स्वीकार करें, और बाणी कहती है यदि जीवन में गुरु नहीं है तो धिग धिग जीवना, बोले ऐसा जीना किस काम का, फिर मुझे ये जीवन रखकर भी क्या करना है। सब समझाने वाले, सब बुझाने वाले, किसी की नहीं सुनी, किसी की समझी नहीं। एक वट वृक्ष के नीचे संतों के मुख से नाम सुना था राधा वल्लभ लाल का, संतों के मुख से बात सुनी थी श्री हितरिवंश महाप्रभु की, उनके श्री चरणों का आश्रय लेकर सेवक जी बैठ गए। आप देखिए उनको दिशा मालूम नहीं है कहां जाना है, उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, वो किसी उपासना के रहस्य को नहीं जानते, केवल नाम का आश्रय लेते हैं, बैठ जाते हैं। सात दिन तक सतत रटन लगाई इस नाम की, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय 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 जय राधा वल्लभ श्री श्री हितरिवंश महाप्रभु ने तो ऐसा रस प्रकट किया संसार में जिसके लिए नाभा जी को भी लिखना पड़ा।
कि व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी। इनका 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 भजन, इनकी उपासना की पद्धति ऐसी है कि इनकी कृपा के बिना उसे कोई नहीं जान सकता। कुछ विचार नहीं किया, न कोई लाभ का लोभ न हानि का भय, कोई द्वंद नहीं है मन में। बिल्कुल ठीक ऐसा जैसा एक शायर ने कह दिया कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटा के हम भी देखेंगे, और तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। समेट ली दृष्टि सब और से, देखने का तरीका एक प्रेमी कैसे देखता है, बोले दीदार का शौक है तो नजरें जमाए रख, दीदार का शौक है तो नजरें जमाए रख, पर्दा कैसा भी हो सरकता जरूर है, एक दिन हटेगा, प्रभु को हटाना पड़ेगा। मौन रटते रटते, सेवक जी जप नहीं कर रहे थे, रट रहे थे। जप तो तब होता है जब आप भाव से युक्त होकर मंत्र को जपें। इष्ट का दर्शन करते हुए भाव के स्तर पर आरोहण करके जब आप मंत्र जपते हैं उसे जाप कहते हैं, जप। सेवक जी तो रट रहे थे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय 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 जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। और कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। समेट ली अपनी दृष्टि सब ओर से, तन मन प्राण वृत्ति समाहित हो गई, तदाकार हो गई इस नाम में। एक 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 ठौर ऐसी आई जब जब राधा वल्लभ लाल भी कहीं इतर इतर हो गए। जैसा मैंने कहा ना कि प्रश्न है किसी का कि कहां तक गुरु की आवश्यकता है, जहां तक इष्ट और गुरु एक ना हो जाएं, जहां तक इष्ट और गुरु आपको एक प्रतीत ना होने लगे, जहां पर इष्ट और गुरु के तत्व की एकत्व की प्रतीति हो जाए वहां तक गुरु की आवश्यकता है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, केवल एक ये नाम रह गया। और मैंने कई बार निवेदन किया, आप निष्काम चित्त होकर यदि नाम जपते हैं तो नाम में समाहित, नाम में अंतरहित जो नामी है वो अपना स्वरूप आपके हृदय में प्रकट करेगा। हट थी सेवक जी की कि या तो महाप्रभु जी आकर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, या तो मुझे अपने चरणों का आश्रय देकर सनात करें, अथवा ये देह धारण करने का कोई औचित्य नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। और रसिक जन बताते हैं सातवें दिन उस मौन प्रश्न का उत्तर देना पड़ा श्री महाप्रभु जी को। निकुंज गमन हो चुका था, पुनः उसी आचार्य का वपु लेकर श्री महाप्रभु जी पधारे। कहां? कहीं वृंदावन में नहीं, कहां पधारे? वहीं उसी वट वृक्ष के नीचे, उसी गढ़ा ग्राम में, जहां श्री सेवक जी अपनी भाव बैठे थे। मस्तक पर हाथ रख दिया, दिव्य वृंदावन प्रकट करा दिया, मंत्र उपासना पद्धति ये रस रहस्य सब कुछ प्रदान कर दिया, केवल एक निष्ठा के उत्तर में। कई बार मैं तो विचार करता हूं कि देखो हमारे पास तो राधा वल्लभ लाल हैं, मंत्र हैं, रसिकों की वाणियां हैं, सब कुछ तो है, लेकिन जिन नहीं समझो प्रेम रस, तिन सो कहा अलाप, दादुर हूं जल में वसे जाने मीन मिला। जल से मिलन का सुख क्या है, मछली भी जल में रहती है, मेंढक भी जल में रहता है, लेकिन जल मेंढक की विवशता नहीं है, जल मेंढक का जीवन नहीं है, वो जल से अतिरिक्त भी जीवन धारण करता है, कर सकता है, लेकिन एक मीन का जीवन है जल, जल मीन की विवशता है, जल मीन का जीवन है। प्रेम जब जब आप विवश हो, मैं कई बार निवेदन करता हूं, जब आपको भजन करने का व्यसन पड़ जाए,
जब सत्संग आपका व्यसन बन जाए, जब आप उसके बिना रह ना पाए, जब जब आपकी किसी ने कहा कि इच्छा से मिलते हैं भगवान, नहीं इच्छा से नहीं मिलते हैं। समय पाकर सतत सत्संग करते करते जब इच्छा तड़प बनती है तब प्रभु उत्तर देते हैं। इच्छा में स्थान है किसी और इच्छा के आने का, तड़प में स्थान नहीं है। जब इच्छा तड़प बने, लेकिन जिस प्रकार कोयला ही समय पाकर हीरा बनता है, इस प्रकार कोयला ही समय और दबाव झेलकर, पीड़ा झेलकर एक एक अनमोल रत्न के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक ऐसे ही साधारण सी इच्छा समय पाकर, साधारण सी इच्छा सत्संग पाकर, साधारण सी इच्छा सतत साधु संग पाकर, साधारण सी इच्छा सतत संत की सेवा पाकर, फिर एक दिन एक अनन्य निष्ठा रूपी रत्न के रूप में परिवर्तित होती, यही साधारण सी इच्छा। इसीलिए मैं फिर कहूंगा, साधारण सी भी इच्छा हो तो सत्संग करिए, कथा में आइए, कथा आपको पात्रता प्रदान करेगी। हमारी किशोरी जी का ये स्वभाव है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, जहां जैसे जैसे भी हैं, वो गाते हैं ना हम लोग, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण हाल में जिस चाल में जिस ख्याल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, कर दिया निराकार को साकार कर दिया। ऐसी गुरु निष्ठा हो, जब श्रद्धा अविचल हो, वृत्ति अभिमान शून्य हो और विश्वास पर्वतराज हिमाचल के समान अडिग हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, श्रद्धा तो चंचला ना हो, आज यहां कल वहां ना हो, आज ऐसी कल वैसी ना हो, संसार बदलेगा। मैंने आज जहां से आरंभ किया आज की चर्चा का, इस अस्थिरता भरे वातावरण में, इस अनेकता में हमें एकता खोजनी है, इस चंचलता में हमें स्थिरता खोज लानी है, इसी का नाम जीवन है, यही जीवन की उपयोगिता भी है, यहीं पर आपको मार्ग बनाना है, आपके लिए कोई और संसार नहीं रचा जाएगा, इसी संसार को साधना है। एक कवि ने कहा, बोले समय समय पर होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। संत ने कहा, नहीं ये बात ठीक नहीं है। संत भी उसी गोष्ठी में बैठा है, संत कहता है ठीक है, समय समय पे होत है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। आपको यही इसी परिस्थिति में दर्शन होगा, अपने निकट कहीं अपने आसपास, और कैसा श्रद्धा और विश्वास जब मिलता है तो प्रेम प्रभु का दर्शन होता है। अहम शून्य श्रद्धा और अविचल विश्वास, निष्कपट श्रद्धा और अडिग भरोसा, ये दोनों जब मिलते हैं तब प्रेम को जन्म देते हैं। श्रद्धा जननी है, विश्वास पिता है, इन दोनों का संयोग विशुद्ध भगवत भाव को जन्म देता है। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, एक वाक्य में प्रभु ने मानो सब कह दिया। कैसी सेवा?
कृतज्ञ मस्तक झुका हो। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड़ा सतगुरु नानक जिस पत राखी मेरी, जिस पत राखी में। ऐसी कृतज्ञता, ऐसी सेवा। मेरे मन का भाव है आप लोग सब लोग अपना सिर ढक लें तो मैं गाऊं। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चर्चा गुरु चरणों की
उसके कृपा प्रसाद की हो रही है, तो जितना कहा जाए उतना कम है। श्री कबीर जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि सब धरती कागद करूं और लेखनी करूं वन राय, सब धरती कागद करूं लेखनी करूं वन राय, सात समुद्र की मसी करूं तो गुरुगुण लिखा ना जाए। मुझे नहीं लगता ये मनुष्य जन्म ये जीवन पाकर इससे श्रेष्ठ कोई और उपलब्धि हो सकती, इसीलिए महाराज ने यहीं पर आकर विश्राम लिया है। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी तुमरे द्वारे आया, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपा सतगुरु पूरा पाया, नानक को प्रभु भय कृपा सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा चरण कमल तेरे धोए होए पिवावे, सतगुरु दीन दयाला हो, चरण कमल तेरे धोए धोए पिवावे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहाला, सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। इसी ठौर पर आकर जीवन कृतार्थ होता है। जीव का जो सूक्ष्म अभिमान जो भगवान की कृपा से भी नहीं जाता, जी हां मैं बिल्कुल सोच समझ कर बड़े सधे हुए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो जीव का सूक्ष्म अभिमान भगवान की कृपा से भी नहीं जाता वही गुरु तत्व की कृपा से नष्ट होता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहकर वंदना करते हैं गुरु चरणों की। वंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करहि। जिसका वचन आपके अंतर मन में प्रकाश कर दे सतगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट, जिसका वाक्य आपके आपके अंतर मन के जन्मों के अंधकार को नष्ट करके प्रेम का दीप प्रज्वलित कर दे, जिसके मुख से निकली बात महामोहतम पुंज। गोस्वामी जी मोह शब्द प्रयोग करते हैं, ना अज्ञान ना काम ना क्रोध ना लोभ कुछ नहीं, मोह। एक है अज्ञानता, अज्ञानता पूर्ण आचरण उसके लिए क्षमा है। मोह देखता तो है गलत दिशा में देखता है, जानते हुए न जानना, जानते हुए सत्य के अनुकूल आचरण न करना ये मोह है, न जानना अज्ञान है, जानते हुए न जानना ये मोह है।
आप में से कौन ऐसा है जिसने गीता नहीं सुनी, रामायण नहीं सुनी, भागवत नहीं सुनी, भक्तों की बात नहीं सुनी? कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता हो कि आप यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकते? कौन ऐसा है जिसका इस बात से परिचय ना हो कि आप यहाँ कुछ लेकर नहीं आए थे? कौन ऐसा है जिसको संसार की असारता ने कभी स्पर्श ना किया हो? कौन ऐसा है जिसको संसार की कटुता ने कभी पीड़ित, प्रभावित किंवा प्रताड़ित ना किया हो? जानते हुए न जानना, जानते हुए अनदेखा करना, ये प्रज्ञा का अपराध है, ये भगवान की अवहेलना है, दंडनीय अपराध है ये। और दंड क्या है? अंत में क्षोभ। जीवन खत्म होता है तो जीने का ढंग आता है, और क्षमा बुझने लगती है तो महफिल में रंग आता है। अंत समय का वो क्षोभ, यही इस अपराध का दंड है, ये प्रज्ञा अपराध है। तो गोस्वामी जी कहते हैं महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करहिं कर। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृघ दोष विभन। अगली बात जो प्रभु कहने जा रहे हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजगा। गुरु के चरणों के आश्रित होकर क्या करें? चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजगान। बिल्कुल ठीक गोस्वामी जी ने ऐसा किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। कहीं सुनी नहीं सुनाऊंगा प्रभु, श्री कबीर जी कह रहे हैं। बोले तू कहता पोथिन की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। एक कवि की कविता जो कहां काल के क्रम में खो जाती है, काल ग्रस लेता है जिसे, और एक कबीर की उलटवासी, रमैया तेरी माया लूटा सब बाजार, ऐसी उलटवासी। आज लोग श्री कबीर जी की एक एक पंक्ति पर थीसिस करते हैं, शोध प्रबंध, उसका मर्म जानने के लिए। और उधर श्री कबीर क्या कहते हैं? बोले मसी कागज छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। बोले मसी कागज छुयो नहीं, पढ़ना लिखना क्या है हम नहीं जानते। क्या करें? गुरु चरणों के आश्रित होकर क्या करें? चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजगान। चौथी क्यों? बोले प्रभु आपकी लीला गाऊं कैसे? क्या कही सुनी गाऊं? उसमें आनंद नहीं है। केवल पोथी से पढ़ के सुना देना, जैसे कल मैंने कहा, वो वाणी का विलास हो सकता है, वो वाग आडंबर हो सकता है, वो दंभ हो सकता है, उससे मनोरंजन हो सकता है, भावभंजन नहीं हो सकता। जिस कथा में अनुभव का पुट न हो, जिस भाव को कभी अनुभव ने स्पर्श ना किया हो, वो आपके मन चित्त की व्यथा का हरण नहीं कर सकती, वो कथा। चौथी भक्ति मम गुनगन करई कपट तजगान। श्री रविदास जी पधारे हैं मीरा जी के महल में, रात को अपने गिरधर गोपाल से यही जाचना, यही प्रार्थना करती सोई कि मुझे कब सनाथ करोगे, कब मुझ पर कृपा करोगे, कब गुरु चरण मिलेंगे जिन पर मस्तक रख के मैं निहाल हो जाऊंगी, कृतार्थ हो जाऊंगी। श्री ठाकुर जी ने देखा पात्र तैयार हैं, कल जो प्रथम संत मिले वही तुम्हारे सदगुरु होंगे। अभी मीरा जगकर तैयार नहीं हुई थी कि संदेशा आ गया कि काशी से एक संत पधारे हैं, संत संगो संग में संतों की मंडली है, भाई साहब आप आकर दर्शन कर लें। जाकर देखा द्वार में, कक्ष में प्रवेश करते ही सन्मुख सिंहासन पर श्री रविदास जी महाराज बैठे थे। मीरा जी ने चरणों में माथा रख दिया और बिन बोले सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास। कुछ नहीं कहा, कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ जानना नहीं है। जो अपना आपा धरने आया है, जो अपने आप का उत्सर्ग करने आया है, उसके लिए प्रश्न उत्तर की अपेक्षा क्यों?
रख दिया अपना मस्तक। रविदास जी भी गुरु हैं, प्रभु से मन ही मन कहने लगे, बोले प्रभु आप जिसे कृपा प्रसाद देने की बात कह रहे हैं ना, वो जन्म से, वो जन्मजात आपकी कृपा की अधिकारिणी है, और केवल अधिकारिणी नहीं, आपकी कृपा का दान करने वाली है जगत को। आप मुझे सेवा देकर कृतार्थ करते हैं, सो सेवा स्वीकार करता हूं, मैं ये सेवा करूंगा। और रविदास जी ने जब दीक्षा दी, क्या मंत्र दिया मीरा जी को, कंठी गले में बांध दी, हाथ में तंबूरा था, मीरा जी के हाथ में धर दिया, कंठी बांधकर क्या कहा, जीवन कृष्णार्पण हो गया, तन मन प्राण सब कृष्ण के हैं, और तंबूरा हाथ में देकर यह कह दिया कि गुरु चरणों के आश्रय का केवल एक ही अर्थ है, यही गुरु के पास होना भी है, यही गुरु के साथ होना भी है। क्या गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, सोई जो हरी जमावे, और संत सोई जो विषय छुड़ावे। महाराज कहते हैं संत की सेवा नाम से आई है। मैं सदा कहता हूं जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर न संशय, शास्त्र कहता है। आपके पास कोई साधन नहीं है तो संतों की वाणी है, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। प्रभु प्रभु मार्ग देते हैं, बोले गुरु चरणों में माथा रखे। अब कोई प्रश्न कर सकता है, बोले महाराज आपकी कथा तो हम यूं ही कहे सुन लेंगे, गुरु जी की क्या आवश्यकता है। तो ये जो भगवान कह रहे हैं ना, कपट तज गान, कपट छोड़कर मेरे गुण का गान करना, क्या कपट। अरे आप सुनने के लिए आए हैं क्या, कपट करके आए हैं। मैं कहने के लिए आया हूं क्या, कपट लेकर आया हूं, हो सकता है, और प्राय करके होता है, हो रहा है। कृष्ण कथा का उद्देश्य, शास्त्र कहता है योत्फलम च नंदनंदनः स श्रीमद् भागवतः। श्रीमद् भागवत आता है जिसका फल नंदनंदन।